तुम्हारा और नरेन का रिश्ता खतरे में है। अंकिता तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर तुम इस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर तुम इग्नोर करती रही तो वो तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ छीन के ले जाएगी। प्रॉपर्टी और बिजनेस पहले ही उसके नाम है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना परी, तो बहुत जल्द नरेन और आशी भी, देखो तुम्हारे आजूबा ने सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम की है ना, उससे वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर तुम्हें अपनी शादी बचानी है ना, तो उसको कमजोर करना होगा। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो परी, अंकिता की कमजोरी है नरेन। चाहे वो कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं जानती हूँ नरेन से शादी के बाद अंकिता के मन में नरेन के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्यार तो जागा ही होगा। हमें इसी प्यार का सहारा लेना है, इन्हीं फीलिंग्स को हमें इस्तेमाल करना है। मतलब अंकिता को नरेन का प्यार नहीं मिला, आज भी उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर होगा। बस हमें इस दुख को बड़ा करना है। देखो परी, अंकिता के पास में बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास नरेन है, नरेन का प्यार है। इनफैक्ट आज भी तुम अंकिता से ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें सिर्फ नरेन और आशी को अटेंशन देना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें बहुत बहुत प्यार करना है। अंकिता को तुम्हें यह जताना है कि नरेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे प्यार करता है। बस इतना करने से अंकिता बहुत कमजोर हो जाएगी, तुम समझ रही हो? आई थिंक आप सही कह रही हैं। आई थिंक दिस विल वर्क। तुम जानती हो ना कल क्या है, तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स याद है मॉम, मैं कैसे भूल सकती हूँ, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। यस। डोंट वरी मॉम, आपका आइडिया मैं ध्यान में रखूंगी। आई वोंट लेट यू डाउन। ओके। वैष्णो, क्या हुआ वैष्णो? छोटी माँ कहाँ है? छोटी माँ को बुलाओ। छोटी माँ ऑफिस में किसी मीटिंग में बिजी है, आ जाएगी, तब तक तू सो जा। नहीं, मैं छोटी माँ के बगैर नहीं सोऊंगी। अब तक क्यों नहीं आई? बेटा वो किसी काम में फंसी हुई होगी, जब आएगी ना तो हम दोनों मिलकर उसकी डांट लगाएंगे। ओके, आज मौसी है ना, मौसी सुलाएगी तुम्हें। सॉरी, वो मैं ताई अभी तक घर नहीं आई है शशांक, और वैष्णो इतना जिद कर रही थी कि ताई आएगी तो ही सोएगी। बहुत मुश्किल से सुलाया है, पता नहीं आज ताई को इतनी देर कैसे हो गई, और मैंने उसे कितना फोन ट्राई किया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। शशांक, अगर फोन मिल जाता ताई का तो वैष्णो की एक बार बात करा देती। रिलैक्स मानसी, डोंट वरी, कोई काम आ गया होगा। वैसे अंकिता कभी लेट नहीं आती है। और प्रशांत कहाँ है, आ गया? नहीं, प्रशांत भी नहीं आया, पर प्रशांत का फोन आया था, कह रहा था ताई किसी मीटिंग में है। लो बता, उसके साथ में ही होगा। सब कुछ पता होने के बावजूद टेंशन ले रही हूँ। अरे तुम्हारा पति आया है, थोड़ा डांटो, थोड़ा पूछताछ करो कि मैं कहाँ था, इतना लेट क्यों हो गया। और डांट नहीं सकती हो तो थोड़ा सा प्रशांत, प्यार। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही है? तो ठीक है, फिर तुम जाके सो जाओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जिसका मैंने आज इंटरव्यू लिया था ना, वो हॉट एक्ट्रेस का, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या क्या, कैसा ऑफर? उसको मेरे साथ डिनर करना है, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मेरी खूबसूरत वाइफ मेरा घर पे इंतजार कर रही है, खाना नहीं खाया होगा, मुझे खाना खिलाएगी, हम साथ में बातें करेंगे, पर अब ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं उसके पास ही। नहीं शशांक, भूख लगी है, खाना खिला दो। ठीक है, अब चेंज करके आइए, मैं खाना लगा देती हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। अच्छा, आपका वेट कर रही थी। जल्दी ले आओ फिर, अब जाइए तो। हाँ।
गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। सारे लोग आ गए। अजीत, कौन सा तरीका है सबको सुबह सुबह उठाने का? ये तरीका बेरीका की बात छोड़, ये हमारा रिवाज है, परंपरा है। जब साल में एक बार गणपति हमारे घर आते हैं तो उनका स्वागत ऐसे ही धूमधाम से किया जाता है, गणपति बाप्पा। इस साल भी धूमधाम से ही होगा, पापा के स्वागत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। देखो, अभी मैंने एक कागज पे सबका नाम लिख के उसके नाम के सामने हर एक को क्या क्या करना है वो सब लिखा है। समझ में आई ना बात तेजू? पढ़। किन्नरी, जितने भी मेहमान आएंगे ना तुम हैंडल करोगी, और रोशाली जी आप इसकी मदद कीजिएगा क्योंकि इसके अकेले के बस की तो है नहीं। और मानसी, तुम ना मोदक बना देना, ठीक है? और हम लोग? मैं पापा को प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मैं चढ़ाऊंगी। ए, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। मैंने हरेक के नाम के सामने उसका काम लिखा है, उसी के अनुसार काम किया जाएगा, झगड़ा नहीं। गणपति पापा घर में आने वाले हैं ना? अरे हाँ, सब लोग आ गए लेकिन हमारी अंकिता, प्रशांत, शशांक कहाँ गए? अब तक सो रहे क्या? वो कल प्रशांत और ताई किसी मीटिंग के लिए गए थे और अभी तक वापस ही नहीं आए। इनफैक्ट कल रात को वैष्णु बहुत जिद कर रही थी ताई के लिए। अंकिता और प्रशांत किसी मीटिंग के लिए बाहर गए तो इसलिए आई थिंक। आज ही अंकिता को लेकर इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आजकल बहुत बिजी रहती है। उसको सारा काम अकेले हैंडल करके मुझे नीचा जो दिखाना है। मैं अंकिता को जानती हूँ अच्छी तरह, सब दिखावा है। ओके, मैं अंकिता को जानती हूँ अच्छी तरह, सब दिखावा है। ओके, बकवास की बात छोड़ो, मेरी पोती कभी बकवास नहीं करती, झूठा दिखावा नहीं करती। असल में कुछ काम होगा, मीटिंग होगी, तभी वो आई नहीं है। समझ में आई बात? मानसी, अंकिता को फोन लगा। लगाया था जी, तब प्रशांत कह रहा था वो दोनों किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी ना, इसलिए गए वो। पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। कभी कभी मीटिंग लंबी हो जाती है, बट डोंट वरी, मैं जाके चेक कर लेता हूँ और आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। ओके, डोंट वरी, वेलकम। अंकिता, पता नहीं तुम कहाँ गई हो लेकिन जहाँ कहीं भी हो, आई जस्ट होप तुम वापस ना हो। चलो, सबको अपना अपना काम समझ में आया? हाँ? आजी प्लीज, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस जाना है। आई एम सॉरी। रिया, मैं किसी सफाई वफाई में इंटरेस्ट नहीं हूँ। गणपति के टाइम कोई नाटक नहीं करेगा, अपना अपना काम जरूर करेगा। बात समझ में आई किन्नरी? चलो, अपना अपना काम निपटाओ। जी। आशी, ये देख मेरे पास क्या है। मैं प्रिया के साथ साथ खेलूंगी। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। अरे क्या हो रहा है ये सब? चलो लड़ाई मत करो, आशी तैयार हो जाओ, चलो तो मैं मार्केट लेके चलता हूँ। दादा, मुझे ऐसी ही चाहिए। वैसे बेटा, ये ट्रेन कहाँ से लिए तुमने? मेरी छोटी माँ ने दी। अच्छा, मैं तुम्हें भी सेम ऐसी ट्रेन ला दूँगा, ओके? ऐसी ट्रेन यहाँ के मार्केट में नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो मेरे दादा लेके आएंगे। मेरे दादा मुझे कुछ भी कर सकते हैं।
मेरी छोटी माँ मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई लड़ाई नहीं करेगा अब, ओके? नहीं तो मैं बहुत जोर से डांट दूंगा। नो फाइटिंग। वाशी बेटा चलो, तुम्हारे लिए ट्रेन पक्का मैं लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। दादा मुझे ऐसे ही ट्रेन चाहिए। लेकिन एक शर्त पर, तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? गुड गर्ल्स। अरे मानसी, तुझे मालूम है हर साल गणपति में अर्चना और मानव मेरे हाथों से बने हुए मोदक खाते हैं, क्योंकि मेरे हाथ के मोदक उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ये साल भी जीत करके बोले हैं कि तू ही कर, लेकिन मैंने तेरे पे ढकेल दिया। क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है, बोलना। कुछ नहीं आई, वो ताई के बारे में सोच रही थी। आज से गणेश उत्सव स्टार्ट है ना, आज के दिन ताई को घर पर होना चाहिए था। उसके बिना किसी काम में मन नहीं लगता। आपको पता है ये ना ताई का फेवरेट त्योहार है, गणपति बप्पा को घर लाना, पूजा करना, घर सजाना, मोदक बनाना। ताई सब कुछ इतने प्यार से करती थी ना। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तेरी ताई अभी सिर्फ ताई नहीं है, मानव के कंपनी की बॉस भी है। सारी जिम्मेदारियां उसे संभालनी पड़ती है, तो हमें भी इस चीज की आदत डलवानी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? आप सही कह रही हैं, पर फिर भी बस मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। अब वो घर आएगी ना तो मैं अच्छे से उसकी खबर लूंगी। तेरी ताई बिल्कुल अर्चना जैसी, एक साथ सारी जिम्मेदारियां संभाल। अरे इसीलिए उसे छोटे बड़े से डांट खानी पड़ती है, लेकिन फिर जाके हमारी अंकिता अर्चना सबको संभालती है, प्यार से समझाती है। आजी, आई का फोन। हेलो, हाँ बोल बेटा, हो गई तेरी तीर्थ यात्रा? अरे मैंने पूछा वापस कब आ रही है, अरे बोल ना बेटा। अरे आजी नेटवर्क नहीं है इसलिए फोन कट गया होगा। एनीवेज मेरी बात हो गई है, आई की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, जल्दी आ जाएगी। आजी क्या हुआ बच्चा? आशी ने मेरी ट्रेन तोड़ दी, फिर मैंने उसकी आजी को शिकायत की तो उन्होंने कहा कि बुरे बच्चे के साथ बुरा ही होता है। इस हद तक नीचे उतर आई है वो वृषाली, मुझे लगता है उसे अभी समझाना पड़ेगा बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं। मैं उसे जरूर समझाऊंगी, तू डर मत, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। हाँ जी, आप छोड़ना मत। हाँ अपना तो यही उसको, जैसे को तैसा। वेरी गुड आशी, आज तुमने जो कुछ भी किया ना बहुत अच्छा किया। हमेशा उस वैष्णवी को ऐसे ही जवाब देना, और हाँ बिल्कुल डरना मत उससे। अगर उसकी आजी उसके साथ है तो तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है। हाँ, हम दोनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, ओके? ये क्या खुसर फुसर हो रही है आशी के साथ? नहीं मॉम, वो कुछ नहीं। मॉम मैं आशी से यही कह रही थी कि इसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो वैष्णवी हो या सविता जी हो, मैं इसे समझा रही थी। और वैसे भी मॉम आप जानती है ना, इस घर के लोगों ने नाक में दम कर रखा है। मॉम हमें इस नैगिंग प्रॉब्लम से कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। I'm just too irritated with all this। आशी बाहर जाके खेल, देखो क्या हो रहा है बाहर। आज आजा 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 आजा, देखो कुछ हो रहा है बाहर, मजेदार। जाओ दरवाजा बंद कर दो। थैंक यू मॉम। आप जानती है ना इस घर में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अंकिता ने परी से सब कुछ छीन लिया, और अब वैष्णवी आशी को परेशान कर रही है, उसे डरा रही है। मॉम मुझे आशी की बहुत फिक्र हो रही है, हमें कुछ करना होगा आशी के लिए। तुम्हें एकदम से आशी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? देखो जो भी हो मैं तुम्हारी नेचर को जानती हूँ, मतलब बिना मतलब की तो तुम कुछ भी नहीं करती। तो ये सविता जी और ये वैष्णवी और ये अंकिता की जो बुराई हो रही है उसमें भी शायद कुछ मतलब ही है। You know what? I'm not interested in these childish games of yours. Please stop. एक सेकंड। हाँ
उन तीनों की बुराई में मेरा एक मकसद है और वो है अंकिता। मैं उस अंकिता को सबक सिखाना चाहती हूँ। आई एम श्योर आप भी यही चाहती है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैं उस अंकिता का वीक पॉइंट जानती हूँ और वो है वैष्णवी। अगर वैष्णवी हर्ट हो जाती है तो अंकिता भी हर्ट हो जाती है। मॉम मैं वैष्णवी को हैंडल कर लूंगी, आप बस उस सविता जी को हैंडल कर लीजिए। और फिर तो आप जानती है ना। क्या कर रहे हो नरेन? बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नरेन अगर अंकिता महान बन के सारा काम अकेले करना चाहती है तो तुम्हें क्या जरूरत है उसकी हेल्प करने की? करने तो उसे। अरे प्लीज अंकिता हमारी बॉस है और वो सुबह सुबह उठ के ऑफिस चली जाती है। अच्छा नहीं लगता कि मैं सोता रहूं। मैं जानती हूँ हमारी बॉस, बार बार बोल के मुझे याद मत दिलाओ। वैसे भी मैं ये बात भूल ही नहीं पा रही। क्या हो गया तुम्हें यार, इतना रूडली बात क्यों करने लगी? एंड इज़न्ट दिस अ फैक्ट, हम दोनों उस कंपनी के एम्प्लॉई। अगर ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑनेस्टली तो मैं सालों से काम कर रही हूँ नरेन, क्या मिला मुझे बदले में? अंकिता आई और एक ही झटके में सब कुछ ले गई। कभी कभी तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसने अशोभा को हिप्नोटाइज किया। तभी तो उन्होंने। अरे व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या बातें कर रही हो, हिप्नोटाइज कर दिया ये सब? तो राजूबा ने जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया, एक सही डिसीजन लिया। तुम्हें पता है ना हमने अंकिता के साथ क्या किया? नरेन हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। जो उसके साथ हुआ है वो उसकी किस्मत की वजह से हुआ है, हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या किया इन दोनों ने अंकिता के साथ, इस बारे में बात कर रहे हैं। मम्मी चलिए। कहाँ? नंद की नानी। सबके मम्मी पापा उनके घर गणपति ले आ रही है, मुझे भी लाना है। आशी हमारे घर में ऑलरेडी गणपति आ रहे हैं, एक और लाने की कोई जरूरत नहीं। मगर हमारे घर पे गणपति नहीं आएगा तो आपके साथ उनके मिलकर कैसे तैयारी करूंगी? तुम्हें तैयारी क्यों करनी है? हर कोई तैयारी कर रहा है, मुझे भी करना है। प्रिया, उसकी मम्मी और उसकी छोटी माँ वैष्णवी सब कर रहे हैं। प्रिया जो करेगी वो तुम्हें करना जरूरी है। आशी मुझे तंग मत करो, मुझे तैयार होना है, प्लीज जाओ यहाँ से। परी कितनी बदल गई है। आशी आशी बेटा मैं ले चलूंगा। ओके राधिया तुम प्यार से बात नहीं कर सकती क्या? प्यार से ही तो समझा रही हूँ, लेकिन वो नरेन प्लीज तुम उसे समझा दो कि हम गणपति नहीं ला सकते। कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, गणपति लेने नहीं चलना क्या? कहाँ है? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देख ना ये परी कैसे गलत सोच रही, अपनी ही सगी बहन के बारे में कितना गलत सोच रही है। उसे लगता है अंकिता ने मानव को बहला फुसला कर सारी प्रॉपर्टी हथिया ली है। अपनी ही बहन के बारे में वो ऐसा कैसा गलत सोच रही है? अब अंकिता इसके सामने आ जाए ना, इसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। अंकिता की बात छोड़, वो अपनी बेटी के साथ देख ना कैसे व्यवहार कर रही है। अभी आशी इतनी छोटी बच्ची, उसने उससे मांग की गणपति लाना है, गणपति लाना है। बच्चे माहौल देखकर मांग करते हैं तो उसके साथ ऐसे पेश आती है, उसे ऐसे झटक दिया कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, उसकी बेटी है तो सब कुछ कर सकते। इंसान का लालच ही उसे उसका सब काम करवाता है। अभी परी गणपति लाएगी तो उसकी पूजा में हम उसके साथ आशी को बिठाएंगे। तू मेरी मदद करेगी? हाँ बिल्कुल चल। ये फाइल पढ़नी थी अंकिता को। हेलो बख्शी, अंकिता मैम के कैबिन में आना। यस सर। अंकिता कहाँ है? अंकिता मैम कहाँ है? अंकिता मैम तो अभी तक ऑफिस नहीं आई हैं। नहीं है ये मतलब? वो मीटिंग तो कब की खत्म होगी ना जिसके लिए अंकिता और प्रशांत गए थे।
वो मीटिंग? हाँ। सर, अंकिता मैम और प्रशांत सर उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट का फोन आया। पहुंचे नहीं मतलब? वो मीटिंग कैंसिल हो गई है और हम घर पे सोच रहे हैं कि अंकिता और प्रशांत इसलिए नहीं क्योंकि वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। सर, मैं तो सोच रहा था कि आज गणपति है इसलिए मैम नहीं आई। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, मैं फोन करके पूछता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. प्रशांत का फोन भी ऑफ? सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं उन्हें कांटेक्ट कर लूंगा। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन तुम जाओ। और एक मिनट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। Is that clear? कामा का घर पे लोग पैनिक करेंगे। जी सर।